अल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर से वही क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में क्या चीज है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने पड़ेंगे फिर आप बता पाओगे। तो अगर मैं प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो क्या बनेगा, तीन कार्बन है यहां पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सेम ग्रुप, नॉट पॉसिबल। इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगे तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, टू मिथाइल प्रोपीन, तो ये वन यहाँ पे, वन और ये टू, यहाँ पे मिथाइल लग जाएगा। अब इस केस में क्या है, इस केस में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ एटलीस्ट इस कार्बन पे तो दोनों अलग ग्रुप थे, यहाँ इस कार्बन पे भी दोनों क्या आ गए आपके, सेम ग्रुप आ गए, तो यहाँ भी आपका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिथाइल मिथाइल और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें भी नॉट पॉसिबल। ओके, सी क्या है आपका, सी है ब्यूटीन, टू लगा रखा है, यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ है, टू पे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ग्रुप डिफरेंट है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड एक सी एच थ्री है, एक हाइड्रोजन, यहां भी एक सी एच थ्री हाइड्रोजन, तो यस इट शो जी आई। तो ये आपका जी आई शो करेगा। वैसे ही अगर आप डी करना चाहते हैं तो देखिए क्या बोल रहा है, वही ब्यूटीन है और टू पे मिथाइल है, तो मैंने टू पे मिथाइल लगा दिया, इसमें भी क्या होगा आपका, नॉट पॉसिबल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपको नाम दे और फिर आपको पूछे कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी।